नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र राजीव बंसल हांसी की आवाज से फिर एक बार आपसे मुखातिब हूँ इसलिए कि मैं ऐतिहासिक किले पे खड़ा हूँ आपके। अरे एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है आज देश के अंदर, तारीख बनेगा, ये इतिहास बनेगा। धारा 370 यानी कि अनुच्छेद धारा 370 संविधान से यानी कि विड्रा करना, कश्मीर से विड्रा करना, एबॉलिश करना, और ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आइए जानते हैं कुछ प्रबुद्ध लोग जो ऐतिहासिक पृथ्वीराज चौहान के किले पे रोजाना घूमने आते हैं, सायकालीन भ्रमण करने आते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि ये धारा 370 जिसमें 35A भी साथ में अटैच्ड है, इसको अबोलिश करना देश के लिए कितना फलदायक है, कितना ठीक है, कितना सही है। सबसे पहले मैं बुजुर्गवार आपसे जानता हूँ कि धारा 370 संविधान की एक अनुच्छेद है, 70 साल से बराबर चली आ रही है श्रीनगर और कश्मीर में, तो वहाँ दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये बहुत अच्छा फैसला है। हाँ जी, हाँ जी। और जो 370 की विदड्रावल भी जो पहले हो जानी चाहिए थी, अब लेट हुई है। हाँ। अब होगी, वो भी बहुत अच्छी। अच्छा क्यों है वहाँ कश्मीरी? अच्छा, कुछ कश्मीरियों के लिए जो वहाँ आज भी 50 साल 60 साल से पीछे जो पाकिस्तान से 1947 में आए थे, जी जी जी, वो आज तक भी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिला है, आज तक भी वो कश्मीरी नहीं बने हैं। अच्छा, उनको अब कश्मीरियत का मेंबर मिलेगा, और जो लोग छोटे तबके के हैं उनकी नहीं सुनी जाती थी, उनकी अब सुनी जाएगी। अब दो यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा भी होगी, लद्दाख में यानी कि विधानसभा नहीं होगी। तो ये डिसीजन कैसा है भारतीय जनता पार्टी का? ये डिसीजन भी अच्छा है, लेकिन ये स्टेट को खत्म करने में थोड़ा सा उनके कश्मीरियों की दिक्कत होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो अब मैं अभी सुन के आया हूँ कि अमित शाह जी ने कहा कि सिचुएशन ठीक होते ही इसको फिर स्टेट बना दिया जाएगा, स्टेट बना दिया जाएगा। वहाँ बहुत संख्या में, भारी संख्या में यानी CRPF सैनिक बल वहाँ तैनात है। क्या लगता है टुटेजा जी कि वहाँ कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है? ये तो वक्त बताएगा अब कितने होती है कितने नहीं क्या होता है, लेकिन इंतजाम अच्छे हैं। अब उनके जो PDP के लीडर्स हैं या NCP के हैं, जिन्होंने कहा कि भई ये बारूद को हाथ लगाने वाली बात है, तो उसकी प्रिकॉशनरी मेजर के लिए फोर्स का महबूबा नजरबंद है, हाउस अरेस्ट है, और फिर भी जहर उगलती है। ऑडियो उसकी क्लिप मैंने सुनी, तो ये काला दिन है, काला दिन। अच्छा, अच्छी बात नहीं है। और गुलाम नबी आजाद जो बोल रहे हैं राज्यसभा में, आज जो उन्होंने बोला है वो उनकी पॉलिटिक्स है, वो तो उनका, ये तो अच्छी बात नहीं है, उनके अपने पॉलिटिक्स करते हैं अपने। मेरे साथ राठौर जी हैं, आप सेना में भी रहे हैं, तो धारा 370 जो जम्मू श्रीनगर में से हटा दी गई है, भाजपा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, इससे मैं इत्तेफाक मैं नहीं, सारी जनता रखती है, क्योंकि वह 40-50 साल से रहते थे, उनको किसी बात का भी ये हक नहीं था कि जमीन ले लें, मकान ले लें, आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं कर सकते थे। ये धारा 370 लगाने से एक इतना बहुत ही डिसीजन अच्छा लिया, ये बल्कि 50 साल पहले लेना चाहिए था, और कांग्रेस सरकार ने जो है ना ये गलत स्टेज किया हुआ था, और ये अब जो किया मोदी ने बहुत अच्छा स्टेज किया। मैं राजस्थान से आज ही चल के आया हूँ, 15 दिन से अपने जगह जगह इस बात की बहुत खुशी की लहर है। आप बताइएगा, आप तो बुद्धिजीवी रहे हैं दोनों। ऐसा जी, ये देश के लिए बहुत ही अच्छा है, और आज एक वो कहते हैं स्वतंत्रता दिवस से पहले एक ही स्वतंत्र दिवस और बन गया, और सारे देश के अंदर दिवाली जैसी खुशी मनाई जा रही है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और आज ये कह रहे हैं कि ये गलत किया है, तो जब हमारे हिंदू लोग वहाँ काटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, और उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे, जब वे नहीं बोले, अगर वे वहाँ के बोलते हैं तो आज क्यों नहीं बोलते वे? हैं आज वे उसके लिए क्यों उठा रहे, हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठाई उन्होंने? आप बताइए। मैं एक्स नेवी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और जितना हमारे देश को इस 370 धारा से नुकसान हो रहा था, ये शायद नॉर्मल इंसान को पता भी नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा फोकस आतंकवादियों से लड़ने में, उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए उसी में ज्यादा लग जाता था। हमारे आम मुनिसन, हमारे जितने भी सिस्टम थी, सिक्योरिटी एजेंसियां थी, ज्यादा वेस्ट होती थी वहां पर। अब आज ये जो ऐतिहासिक फैसला किया गया, इससे क्या होगा कि लोग वहां पर जाके बसेंगे,
पंडितों को अपना अधिकार मिलेगा और सारा कानून एक रहेगा। तो इसलिए मैं तो बीइंग ए डिफेंस पर्सन, ये मोदी जी को और अमित सिंह जी को उनकी लंबी आयु हो और उनको धन्यवाद करता हूं कि देश को एक आज़ादी आज दिलाई है और प्रॉपर आज़ादी आज मिली। धन्यवाद मित्रों। देश एक, कानून एक और झंडा एक, यह धारा 370 तोड़ने पर मजबूती मिलती है देश को, नेशनल इंटीग्रेशन पे मजबूती मिलती है, ऐसा लोगों का कहना है। मोदी जी ने ये जो धारा 370 यानी कि राज्यसभा में अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जो बिल लेके आए, जिन्होंने उस पर चर्चा करवाई, उस पर ये सब लोग खुश हैं। और भारत माता की जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय। धारा 370 हम आपको बता रहे हैं, सेक्शन 370 आर्टिकल जो संविधान की अनुच्छेद है, उसमें किसी को अधिकार नहीं था कि वहां जाके प्रॉपर्टी ले सकता है, किसी को अधिकार नहीं था कि वहां जाके नौकरी ले सकता है। ऐसी 370 धारा जिसमें 35 से समाहित है पहले से ही, तो उसको तोड़ दिया गया है। और एक ऐतिहासिक किले की पृष्ठभूमि पर ऐतिहासिक दिन आज यानी कि 5 अगस्त 2019 तारीख में लिखा जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। मैं राजीव बंसल आपको वायदे के साथ, इस वायदे के साथ कि आप हमारे इस हंसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके लिए नए से नए कार्यक्रम लेकर आएंगे। एक अपील और करता हूँ, यानी कि 11 अगस्त को यहाँ भारतीय जनता पार्टी का डड्डल पार्क के अंदर, जैन धर्मशाला के अंदर एक कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पार्षद अजय सैनी जी जो वार्ड नंबर 4 के पार्षद हैं, अपने दल बल के साथ, अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के यानी कि नीतियों से प्रभावित होकर शामिल होने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में प्रदेश के शीर्ष नेता शिरकत करेंगे। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपने अजीज अजय सैनी, आपके पार्षद हरदिल अजीज पार्षद अजय सैनी को आशीर्वाद दें। 11 अगस्त साय 5 बजे जैन धर्मशाला डड्डल पार्क में स्थित है, उसमें पहुंचिएगा जरूर और भारतीय जनता पार्टी के कल्याणकारी नीतियों का व्याख्यान सुनिएगा, आप उनसे जुड़िएगा और अजय सैनी को आशीर्वाद दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए करिए इंतजार राजीव हंसल का प्यार भरा नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हंसी की आवाज़ आपका प्रिय चैनल है, इसको हमने आपको बहुत मोहब्बत दी, आपने हमें बहुत स्नेह दिया, प्यार दिया और फीडबैक भी हमें मिलती रहती है। आपका सब्सक्राइब किया हुआ चैनल हमारे लिए बोर्नवीटा का काम करता है, एक नई ऊर्जा का सृजन करता है, एक नए उत्साह के साथ, नए एंडेवर के साथ, नए एक उत्साह जोश खरोश के साथ कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जुड़े रहिएगा हंसी की आवाज़ चैनल के साथ।